गाइस, आज की वीडियो में 6 ऐसी यूनिक आरसी कार्स मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद इस तरह की कार आपने यूट्यूब पे कहीं पे भी देखी होगी। ये कार है फुटबॉल शू कार, बहुत ही यूनिक कार है। दिखने में पूरे के पूरे ये शू जैसे ही दिखाई देते हैं। इसकी स्पीड अगर आप एक बार देख लो ना, आप खुद हैरान रह जाओगे। आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ ये कार के साथ। ड्रिफ्ट कार है और भी बहुत सारी कार्स है, जैसे कि ये एक बाउंस कार है, एक मिनी स्टंट कार है, ये है बुगाटी मॉडिफाइड कार, ये तो आपको पता होगा, ये है टंबल बी आर सी कार। चलो गाइस फटाफट से करते हैं सभी के अनबॉक्सिंग कराते हैं, इनके बीच में फाइट देखेंगे आज ये कार को कौन सी कार हरा पाती है। लेट्स स्टार्ट। 2500 रुपीस में खरीदा है गाइस। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अमेजोन का, वहां से जाकर आप चाहे तो खरीद सकते हो। चलो बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। पहले देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली है। यार ये बॉक्स अटक चुका है यहाँ पे, आप देखो खुल चुका है बॉक्स पूरी तरीके से। बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेरे को देखने को मिल रही है। सबसे पहले इस तरह के दो रिमोट्स मिलते हैं हम लोगों को, अलग अलग शू के लिए अलग अलग रिमोट यहाँ पे दिया गया। ऊपर की तरफ दो बटन भी देखने को मिल जाते हैं, ये इसके जॉयस्टिक है। यहाँ पे और भी चीजें हैं। अच्छा आप मेरे को समझ में, इसके अंदर इस तरह का एक नेट भी मिल जाता है, जैसे कि हम लोग फुटबॉल वगैरह में देखते हैं ना गाइस, नेट होता है गोल वगैरह करने के लिए। प्लास्टिक का बना हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं। यहाँ पर इसका चार्जर भी दिया गया है इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए, और ये है इसकी यूजर गाइड, ये भी नेट की ही चीजें दी गई है। यहाँ पर है रिचार्जेबल बैटरी, इस तरह की बैटरी भी दी गई है इसके साथ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ये देखो यार फुटबॉल भी मिला है इसके साथ। भाई आज एकदम तगड़ा वाला मजा आएगा गाइस। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हमारी शू कार को, एक शू जैसा ही दिखाई दे रहा है, बस इसके अंदर फर्क ये है कि आप पैर नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे इसकी लाइट्स भी दी गई यार, यानी कि इसके अंदर हेडलाइट भी काम करती है। यहाँ पे इसके लेस वगैरह दिए गए हैं। अभी आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे है इसकी मेन चीज, यहाँ पर इसकी मोटर दी गई है, यहाँ पे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। व्हील्स थोड़े से छोटे मेरे को लग रहे हैं। वाला शू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया, यहाँ पे ऑरेंज है यहाँ पे ब्लू है। इसके अंदर देखो यार यहाँ पे ब्लू है यहाँ पे ऑरेंज है। जहां तक ये बॉल की बात करूं तो बॉल प्लास्टिक का नहीं है, आप देख सकते हो बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल का यूज किया गया है, बहुत ही सॉफ्ट बॉल मेरे को ये लग रहा है। तो ओके यार अभी अनबॉक्स करते हैं ड्रिफ्ट कार को, इसको ओपन करके देखते हैं क्वालिटी वगैरह इसकी कैसी है, और आज ये भी देखेंगे ये कार कितनी देर तक और कितना लंबा चौड़ा ड्रिफ्ट कर सकती है। कार को यहां से निकाल लेते हैं पहले। कार का कलर काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है और ये कार बहुत ज्यादा चमक भी रही है। यहाँ पे इसकी ये जो बॉडी है हम लोग निकाल भी सकते हैं अगर ये टूट भी जाती है तो। इसके अंदर वाटर डाल के इसका स्प्रे सिस्टम भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे इसका स्प्रे दिया गया 2000 रुपीस में खरीदा था। इसका रिमोट और इसकी सारी अटैचमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये है इसका रिमोट, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट मिलता है इसके साथ। स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टेक्टाइल है। ये है इसकी बैटरी, बैटरी देखकर मैं पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुका हूँ गाइस। देखो कार बहुत ही सस्ती है, ऊपर से इन लोगों ने बहुत ही तगड़ी वाली बैटरी इसके अंदर दे रखी है। ये है 7.4 वोल्ट लायन बैटरी। इसके व्हील्स ओपन करने के लिए एक 4-वे स्पैनर भी दिया गया है, यहाँ पे यूजर गाइड वगैरह है। और ये है गाइस इसकी सबसे ज्यादा मेन चीज, अगर हम लोगों को ड्रिफ्ट कराना है तो प्लास्टिक के व्हील्स लगाएंगे, या फिर इसको रोड पे या फिर ऑफ रोड में चलाना है तो इस तरह के ग्रिप वाले व्हील्स भी हम लोग इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। इसके ऊपर ग्रिप दी गई है और ये व्हील्स थोड़े से रबर के भी बने हुए हैं। अभी अनबॉक्स करते हैं मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट कार। इसको तो यार सिर्फ मैंने 1000 रुपीस में खरीदा था। एक्चुअल में ये एक बुगाटी वेरॉन कार है, इसको मॉडिफाई करके इसके अंदर इस तरह के व्हील्स लगा दिए हैं। देखते हैं आज ये कार कितने तगड़े तरीके से चल पाएगी, क्योंकि इसके अंदर अब लग चुके हैं 6-6 व्हील। फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। यार ये बॉक्स बहुत ज्यादा वजन है, मेरे को लग रहा है कि कार पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। ये है इसका रिमोट, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मेरे को लग रहा है। यहाँ पे अलग तरीके के बटन्स लग रहे हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी खास मेरे को लगी नहीं। ये रिमोट को भी दिखाता हूँ मैं आपको कार। सच में गाइस ये कार जो है पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। यहाँ पे 3 व्हील्स है, इस तरफ 3 व्हील्स है। सामने से अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल ये एक बुगाटी वेरॉन जैसी ही दिखाई देती है। इसकी जो बॉडी है एल्यूमिनियम अलॉय की बनाई गई है। नीचे है बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ स्विच दिया गया। व्हील्स की क्वालिटी भी ठीक मेरे को लग रही है। अब मैं अनबॉक्स करूंगा एक और कमाल की कार, ये साथ एसी वाली वॉच मिलती है ये कार को चलाने के लिए। रिमोट कंट्रोल तो नहीं मिलता है पर वॉच मिलती है गाइस। सोचो गाइस ये वॉच से ये कार को चलाने में कितना ज्यादा मजा आएगा। यहाँ से बॉक्स को मैं ओपन कर देता हूँ। ये कार भी दिखने में थोड़ी सी छोटी है। ये जो इसके पीछे के व्हील्स है इस तरह से फ्लेक्सिबल दिए गए ताकि ये बहुत अलग अलग तरीके से स्टंट कर सके। सामने के व्हील्स पीछे के व्हील्स रबर के दिए गए। नीचे है बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर भी शायद रिचार्जेबल बैटरी आ जाएगी। ये है इसकी वॉच और ये है इसका स्ट्रैप। ये देखो इसके अंदर अभी स्ट्रैप लग चुका है। इसको मेरे हाथ पे बांधकर ये कार को कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर ये स्ट्रैप निकालकर सिर्फ इसको रिमोट की तरह भी यूज कर सकता हूँ। 2.4
4 GHz का रिमोट मिला है इसके साथ और इसके ऊपर बहुत सारे बटन दिए गए ताकि ये कार को हम लोग अलग अलग तरीके के स्टंट करा सके। अभी अनबॉक्स करते हैं बाउंस कार को। इसका लुक जो है थोड़ा बहुत एलियन के पास जो रोबोट्स वगैरह होते हैं गाइस उस तरह का बनाया गया, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखाई देती है ये बाउंस कार। बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है हमारी बाउंस कार, ब्लैक कलर में दी गई, उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इसलिए इसके जो व्हील्स है स्टायरोफोम के दिए गए। व्हील्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा, पीछे यहाँ पे इसका जंपिंग मैकेनिज्म दिया गया। यहाँ पे हम लोगों को बैटरी लगानी पड़ती है। ये है इसकी बैटरी, इसके अंदर ड्रोन जैसी बैटरी मिल जाती है, ड्रोन के जैसा ही रिमोट भी इसके अंदर मिलता है। यार यहाँ पे 2 जॉयस्टिक है, यहाँ पे बहुत सारे बटन है। तो गाइस अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से करते हैं इन सभी को टेस्ट, लेट्स गो। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा फुटबॉल शू कार को। ये कार इतनी बढ़िया तरीके से चलेगी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा दी गई यार नॉर्मल आरसी कार के मुकाबले में। मेरा भाई भी मेरे साथ ज्वाइन हो चुका है, बहुत मजा आ रहा है यार ये शू कार को चलाने में। अभी खेलते हैं फुटबॉल, देखते हैं गाइस कौन गोल कर पाएगा। यहाँ पे नेट भी मैंने लगा दिया है, अभी गेम हो चुकी है यहाँ पे स्टार्ट। मेरे पास बॉल आ चुका था, अभी मेरे भाई के पास बॉल आ चुका है, वापस से बॉल मेरे पास आ चुका है और मैंने कर दिया यहाँ पे गोल और जीत चुका हूं मैं। इस तरह से आप ये गेम भी खेल सकते हो इसके साथ। अब चलाते हैं टाइनी स्टंट कार को। इसकी वॉच मैंने हाथ पे बांध ली है। ये 2 बटन दबाएंगे तो ये इस तरह से व्हीली करके फ्रंट को मूव करने लगती है। ये बटन दबाएंगे तो लेफ्ट को टर्न होती है, ये बटन दबाएंगे तो राइट को टर्न होती है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतने अच्छे तरीके से स्टंट करेगी इतनी छोटी सी कार। अब टेस्ट करते हैं मॉडिफाइड बुगाटी कार को। इसकी आवाज सुनो यार कितनी ज्यादा लाउड दी गई है इसके अंदर। यहां से आप ये आवाज बंद भी कर सकते हो। ओह माय गॉड, इसके अंदर तो बूस्टर भी दिया गया है। अनबॉक्सिंग करते समय तो मेरे को ये नजर ही नहीं आया था। यहाँ पे मैंने अभी इसका डेमो का बटन प्रेस कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से डेमो वगैरह भी दिखा सकती है। ये बटन दबाने पर ये अपना शेप भी चेंज कर सकती है। अभी इसका साइज देखो यार काफी ज्यादा बड़ा बन चुका है, इस वजह से इसको चलाने में बहुत ज्यादा इजी भी हो रहा है। ये कार 360 डिग्री भी घूम सकती है और घूमते घूमते अपना शेप भी चेंज करती है यार। अभी टेस्ट करते हैं बाउंस आरसी कार को। ये कार सभी कार्स में से मेरे को बहुत ही यूनिक लगी। एक बटन दबाने पर ये ऐसे जंप भी करती है, एक बटन दबाने पर ऐसे 360 डिग्री भी घूमने लगती है। अभी इसका बाउंस मैकेनिज्म भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये पावर गेन करके ऐसे जंप करने लगती है। इस कार को तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से भी बाउंस करा के देखा यार, ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है। अभी टेस्ट करते हैं निसान GTR ड्रिफ्ट कार को। ये कार रियल कार जैसे ड्रिफ्ट कर रही है भाई साहब, इसको चलाने में अलग लेवल का मजा भी आ रहा है मेरे को। यहाँ पे मैं इसको टेरेस के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रोड पे चलाऊंगा ना गाइस और भी तगड़े तरीके से ये कार ड्रिफ्ट कर सकती है। अभी मैं टेस्ट करके देखने वाला हूं टंबलबी आरसी कार को। ये कार बहुत फास्ट तरीके से चल सकती है, इस वजह से इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है, पर ये कार बहुत अच्छे तरीके से स्टंट कर सकती है, जैसे कि ये फ्रंट डुअल फ्लिप भी कर सकती है। और ये टंबलबी कार की सबसे खास चीज है इसकी रोटेशन स्पीड, ये 360 डिग्री बहुत स्पीड से घूम सकती है। रेस कराते हैं ये दोनों कार के बीच में, देखते हैं फुटबॉल शू कार जीतती है या फिर टाइनी स्टंट कार जीत पाती है। टाइनी स्टंट कार तो व्हीली मार के आगे जाने की कोशिश कर रही थी, पर फुटबॉल शू कार इससे भी ज्यादा तेज है यार। अब रेस कराते हैं मॉडिफाइड बुगाटी वर्सेस फुटबॉल शू कार के बीच में। यहाँ पे भी फुटबॉल शू कार जीतने वाली है ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कमाल गया। अब रेस कराते हैं ड्रिफ्ट कार वर्सेस फुटबॉल शू कार। ड्रिफ्ट कार बहुत ज्यादा तेज है यार, इसके आसपास में भी फुटबॉल शू कार नजर तक नहीं आ रही है, क्लियरली रेस को जीत चुकी है ड्रिफ्ट आरसी कार। अब रेस कराते हैं ड्रिफ्ट कार वर्सेस टंबलबी कार। टंबलबी कार की स्पीड बहुत ज्यादा दी गई है, पर ये अनकंट्रोल तरीके से चलने लगती है। देखो ये लेफ्ट को जा चुकी है, इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पर ड्रिफ्ट कार जीत चुकी है रेस को। अब पुशबैक कराते हैं मॉडिफाइड बुगाटी कार वर्सेस दोनों फुटबॉल कार्स के बीच में। यहाँ पे दोनों कार्स मिलकर बुगाटी कार को पीछे ढकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर बुगाटी कार इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। एक को तो इसने पलट के रख दिया, दूसरी कार को भी यहाँ पे पूरी तरीके से रोक रखा था। ओ भाई साहब, यहाँ पे दोनों की दोनों कार्स को धूल चटा के रख दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं ये बुगाटी कार बाउंस कार के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। इसने तो यार 1 सेकंड के अंदर ही बाउंस कार को हरा के रख दिया है पुशबैक में। अब कराते हैं इन दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं ड्रिफ्ट कार इसके सामने टिक पाती है यानी। यहाँ पे भी मॉडिफाइड बुगाटी कार बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है। ड्रिफ्ट कार पूरी कोशिश कर रही है पूरी पावर लगाकर इसको रोकने के लिए, पर यहाँ पे भी जीत चुकी है मॉडिफाइड बुगाटी कार। अब इन दोनों के बीच में कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे बुगाटी कार पूरी पावर लगाकर इसको खींचने की कोशिश कर रही है, पर ये जो टंबलबी कार है ना भाई बहुत ज्यादा भारी भरकम है और इसके व्हील्स भी देखो कितने ज्यादा बड़े हैं। इसने हरा के रख दिया है मॉडिफाइड बुगाटी कार को। अब करते हैं लाइट टेस्ट। ये दोनों फुटबॉल आरसी कार्स के अंदर बहुत अच्छी लाइट्स भी दी गई है ताकि हम इसको नाइट में भी चला सके। बुगाटी कार के अंदर कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है, पर टंबलबी कार के अंदर देखो यार बहुत सारी लाइट्स वगैरह दी गई है। पर ये
दोनों कार्स के अंदर बूस्टर दिया गया है, इस वजह से नाइट में इनका बूस्टर बहुत ज्यादा कमाल का दिखाई देता है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी यूनिक आरसी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है पीयूष, रोनित, महंत, जोसेफ, साकिब, हाशिर, अनिल, दीपांशु, जीत, सियाम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।